सजेस्ट करना चाहते हो तो पहले आपको एक एडसेंस में अकाउंट बनाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने यूट्यूब अकाउंट में लॉग इन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप माई चैनल पे क्लिक कर दीजिए। माई चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा चैनल के नाम से, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई करना होता है। ओके, यदि आपने इसको पहले से वेरीफाई कर लिया है तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, और यदि वेरीफाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड सेंड किया जाएगा, तो वो कोड आप अपने मोबाइल पे कैसे लेना चाहते हो, कॉल के द्वारा या फिर मैसेज के द्वारा? तो हम यहाँ से मैसेज के द्वारा उस कोड को लेना चाहेंगे, तो आप ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे डालना होता है। कोड को डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोनेटाइजेशन का। ओके, यहाँ पे आपको चूज योर कंट्री लोकेशन पे क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। ओके, तो चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल के कीवर्ड्स डालने होते हैं। ओके, तो आप चाहे तो आप अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे चैनल पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन में हमें एनेबल का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube ने अपने मोनेटाइजेशन ऑप्शन में थोड़ा चेंज किया है। वो चेंज ये है कि जब तक आपके चैनल पे 10,000 व्यू नहीं आ जाते हैं, तब तक आप अपने वीडियो पे मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो आप अपने चैनल के व्यू कहाँ पे देखोगे? आपको यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है और माई चैनल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे पहले आपके सब्सक्राइबर्स आपको दिखाए जाएंगे, उसके बाद आपके चैनल के व्यू आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप अपने चैनल के व्यूज देख सकते हो। ओके, तो जब तक आपके 10,000 व्यू नहीं हो जाते, तब तक आप अपने YouTube वीडियो से पैसे नहीं कमा सकते हो। तो पहले आपको अपने चैनल पे 10,000 व्यू लाने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट के नाम से, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इसमें सबसे पहले आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स दिखाई जाएंगे, तो आप इनको एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इन 3 ऑप्शन के सामने चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए हमें यहाँ पे 4 स्टेप दी जाएंगी। ओके, तो हमें ये सभी स्टेप कंप्लीट करनी होगी। तो जो पहली स्टेप थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरी स्टेप है उसके लिए आप दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यदि आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए, और यदि जो ईमेल आईडी आपने यूट्यूब में यूज किया वही ईमेल आईडी आप एडसेंस में यूज करना चाहते हैं तो साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो हमने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो अब है 3री स्टेप, उसके लिए आप दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपने YouTube वीडियो पे ऐड किस तरह से दिखाना चाहोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं हटाऊंगा और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब जो 4थी स्टेप है उसके लिए हमारे चैनल पे 10,000 व्यू होने चाहिए। ओके, तो अभी हमारे चैनल पे 0 व्यू है। अब जब हमारे चैनल पे 10,000 व्यू आ जाएंगे तो ये जो 4थी स्टेप है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने YouTube चैनल से पैसे कमा सकते हो। अब देखिए यदि आपको अपना एडसेंस अकाउंट देखना है तो आप यहाँ पे एडसेंस सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को अपने यूट्यूब अकाउंट